पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड देश की सारी जो मीडिया है उसमें छाई हुई है और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस पूरे पात्र के हीरो हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड के विधानसभा में टेबल कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वर्तमान केंद्र सरकार की एक मुख्य चुनावी एजेंडा के तहत रही है, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट वाइज या तो लागू होगी या एक साथ लागू होगी। आखिर उत्तराखंड सरकार द्वारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है उसमें क्या विशेषता है और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या क्या चीजें ऐड की गई है और क्या परिवर्तन आम लोगों की जिंदगी पर होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आजादी के बाद उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके बाद गुजरात और असम समेत देश के कई बीजेपी शासित राज्यों ने भी अब उत्तराखंड यूसीसी मॉडल पर अपनी सहमति जतानी शुरू कर दी है। इस विधेयक में 400 से ज्यादा प्रावधान है। शादी से लेकर लिव इन रिलेशन तक पर सख्त नियम बनाए गए हैं। हालांकि इस विधेयक में जो भी प्रावधान किए गए हैं उन्हें लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि मुसलमानों पर यह कानून थोपने की तरह है। अगर इसे लागू किया जाता है तो मुस्लिमों के कई अधिकार खत्म हो जाएंगे। वही नहीं, इस बिल को लेकर मुंबई के कई जगह पे प्रदर्शन भी शुरू हो चुकी है। जैसे 3 शादियों का अधिकार नहीं है, शरीयत के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से विरोध होना लाजमी है। अब मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड लाई है उस पर सरकार का क्या तर्क है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि इस कानून का लक्ष्य बिना धर्म, जाति, लिंग में भेदभाव किए सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बिल को सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने वाला बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ इस बिल में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि स्पीकर रितु खंडूरी ने आश्वासन दिया कि विधेयक का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय विपक्ष के सभी विधायकों को दी गई थी और साथ ही जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उन्होंने लोगों से फीडबैक मांगे थे। अब इस बिल की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप का इस बिल में जिक्र किया गया है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी। साथ ही 18 साल लड़कियों की शादी की उम्र होगी और 21 साल लड़कों की शादी की। विवाह का पंजीकरण धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगी। तलाक के लिए कोई भी पुरुष या महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेगा जब तक विवाह की अवधि 1 साल ना हो जाए। विवाह चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए किया गया हो लेकिन तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया अर्थात जो प्रोसेस है उसी के अनुसार होगी। किसी भी व्यक्ति को पुनर्विवाह करने का अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर निर्णय दे दिया हो और उस आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं हो। कानून के खिलाफ विवाह करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपये तक की जुर्माना होगा। इसके अलावा नियमों के खिलाफ तलाक लेने में 3 साल तक का कारावास का प्रावधान है। पुरुष और महिला के बीच दूसरा विवाह तभी किया जा सकता है जब दोनों के पार्टनर में से कोई भी जीवित ना हो। अगर किसी ने नपुंसकता या जानबूझकर बदला लेने के लिए विवाह किया हो तो ऐसे में तलाक के लिए कोई भी कोर्ट जा सकता है। अगर पुरुष ने किसी महिला के साथ रेप किया हो या विवाह में रहते हुए महिला किसी अन्य से गर्भवती हो तो ऐसे में तलाक के लिए कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। अगर महिला या पुरुष में से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो इसे तलाक की अर्जी का आधार बनाया जा सकता है। तो ये थी उत्तराखंड में लाई गई नई यूनिफॉर्म सिविल कोड की कुछ बातें। अब जब ये कानून उत्तराखंड में एक बार लागू हो जाएगी तो जो 2024 का चुनाव है
उसके बाद क्या केंद्र सरकार इस यूनिफॉर्म सिविल कोड जो राज्य में लागू हुई है उसको पूरे देश में लागू करेगी, या जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि वर्तमान जो सत्र है संसद की उसको एक दिन के लिए बढ़ाया गया है, सरकार कहीं इसी सत्र में इस बिल को पास करने का विचार कर रही है। आप लीगल बाउंड्री के साथ जुड़े रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।